नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि सरकार ने किया बड़ा फैसला, लाखों कर्मचारियों के लिए आ गई है अब बड़ी खुशखबरी, मई में मिलेगा DA और 9 महीने के एरियर का लाभ। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि किस सरकार ने अपने कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी की है और जो 9 महीने का बकाया एरियर मिलेगा उससे कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही लाखों कर्मचारियों पेंशनर्स के महंगाई भत्ते को 4% बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद कर्मचारियों पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 46% हो गया था। वही इसके बाद वित्त विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए थे, परंतु मध्य प्रदेश नगर निगम की तरफ से इस संबंध में कोई भी घोषणा नहीं की गई। लेकिन अब मध्य प्रदेश के भोपाल नगर निगम की तरफ से प्रदेश की विनियमित कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। उनके मुताबिक कर्मचारी पेंशन भोगियों को बड़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2023 की दर से दिया जाएगा, जिसके साथ ही कर्मचारियों को पिछले बकाया एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में लागू लोकसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता की पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से प्रदेश के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को 4% बढ़ा दिया था, जिसके बाद महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 40% हो गया था। इसके बाद इस संबंध में मध्य प्रदेश विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए थे। इसको लेकर 19 अप्रैल शुक्रवार को नगर निगम के विनियमित कर्मचारियों की तरफ से नगर निगम भोपाल आयुक्त से महंगाई भत्ते को जल्द से जल्द प्रदेश में लागू करने की मांग की गई, जिसके बाद नगर निगम आयुक्त की तरफ से प्रदेश के नगर निगम कर्मचारियों के बड़े महंगाई भत्ते को लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारी पेंशन भोगियों का पिछले 9 महीने का एरियर बकाया चल रहा था, जिसके भुगतान के आदेश भी विभाग द्वारा जारी कर दिए गए। कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 की नई दरों के आधार पर 9 महीने के एरियर का भुगतान 3 किस्तों में मई जून जुलाई में किया जाएगा। कर्मचारियों को एरियर मिलने पर हर महीने उनकी सैलरी में 1500 रुपये की वृद्धि होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।